क्वेश्चन नंबर 30। ये क्वेश्चन है, ऐसा कुछ सेटअप है, देखो क्या बोल रहा है, टू सर्कल्स टचेज इंटरनली, तो ये वाले दोनों सर्कल इंटरनली टच कर रहे हैं। द सम ऑफ देयर एरिया इज 116 सेंटीमीटर, ठीक है, एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 6 सेंटीमीटर। तो ये क्या बोल रहा है कि यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है वो है 6 सेंटीमीटर। अब आपको एक बात नोटिस करनी होगी कि ये जो डिस्टेंस है 6 सेंटीमीटर वो किसके बराबर है, कैसे डिसाइड करेंगे अपन, ये देखो अपन एक काम करते हैं, इसकी जो छोटा वाला सर्कल है जो अंदर से है उसकी रेडियस R1 मान लेते हैं, और ये जो बड़ा वाला सर्कल है उसकी रेडियस अपन R2 मान लेते हैं। तो इट्स लाइक, और जो डिस्टेंस होगा ये वाला, ये अपन को 6 सेंटीमीटर दिया है, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है R2 - R1 इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर अपन को दिया हुआ। ठीक है, यहां से अपन क्या करेंगे, यहां से अपन निकाल लेंगे R2 = 6 + R1, ठीक है, ये हो गया। अब क्या बोल रहे हैं कि जो दोनों सर्कल है, दोनों सर्कल की एरिया, मतलब बड़ा वाला जो सर्कल है उसका एरिया कितना होगा, π R2² + छोटे वाला सर्कल का एरिया कितना होगा, π R1² एक मिनट, π R1² = 116 π दिया हुआ। ठीक है, R2 की वैल्यू अपन को पता है कि 6 + R1 है, ये क्या हो गया, इसको हटा दो, हाँ 6 + R1 है, तो R2 की जगह अपन इस R2 की वैल्यू को उठा के अपन यहां पटक दे रहे, तो ये हो जाएगा π × 6 + R1² + π × R1² = 116 π। इस पाई से ये वाला पाई, ये वाला पाई और ये वाला पाई कैंसिल हो जाएगा। ये कैंसिल कैसे हुआ, मैंने एक स्टेप यहाँ खा लिया है कि क्या किया, मैंने पाई दोनों में से कॉमन निकाल लिया और फिर काट दिया। ठीक है, यहाँ पे अपन आइडेंटिटी लगाते हैं a + b² की, तो दैट इज 6² = 36 + R1² + 2 × a × b, दैट इज 12 R1 + ये वाला R1² = 116। तो ये हो जाएगा 2R1² + 12R1 - 116 को यहाँ लेके आएंगे, तो ये हो जाएगा -116 + 36 = 0, दैट इज 2R1² + 12R1 - कितना हो जाएगा ये 80 = 0। टू दो पूरे में से टू कॉमन ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा 2 × R1² + 6R1 - 80 का आधा कितना हो जाएगा 40 = 0। तो अपनी इक्वेशन क्या बन जाएगी, R1² + 6R1 - 40 = 0। अब अपन को क्या करना है, इसको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करेंगे अपन, फैक्टराइज कैसे होगा कि 40 के फैक्टर्स करते हैं अपन, 40 के फैक्टर्स क्या होंगे, 2 20 2 10 2 5 और 5 1, 5 2 10 और 4, तो ये हो जाएगा R1² + 10R1 - 4R1 - 40 = 0। इन दोनों टर्म्स में से R1 कॉमन लेंगे, तो ये हो जाएगा R1 + 10 - 4 कॉमन लेंगे इन दोनों टर्म्स में से, तो ये भी हो जाएगा R1 + 10 = 0। अब इन दोनों टर्म्स में से R1 + 10 को कॉमन ले लिया मैंने, तो यहाँ क्या बचेगा, R1 - 4 = 0। तो अब यहाँ से R1 के अपने पास दो वैल्यू आ गई, एक तो माइनस का 10 सेंटीमीटर और एक R1 की वैल्यू आ गई 4 सेंटीमीटर। तो अब R1 क्या है, रेडियस, रेडियस कभी नेगेटिव हो नहीं सकती, तो R1 = -10 सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या, R1 = 4 सेंटीमीटर। अब R1 की वैल्यू आ गई है, तो अपन R2 की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं, R1 की वैल्यू अपन को पता चल गई है कि 4 सेंटीमीटर, दैट मीन्स R2 = 6 + 4, दैट इज 10 सेंटीमीटर। तो R1 = 4 सेंटीमीटर हो गया और R2 की वैल्यू आ जाएगी 6 + 4, दैट इज 10 सेंटीमीटर।